अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपकी होस्ट फातिमा कासमी और आप देख रहे हैं हमारा टीवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइंस। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने पार्टी की सियासी कमेटी का अहम इजलास आज परोस बुध 6 अप्रैल को तलब कर लिया, जबकि कौम के नाम पैगाम में वज़ीर-ए-आज़म का कहना है कि मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए आवाम को घरों से बाहर निकलना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी के इजलास को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करने की कोशिश की। कमेटी इजलास के एलामिए में बैरूनी साजिश का कोई जिक्र नहीं। अहसन इकबाल ने कहा है कि पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज करके आइन को इमरान खान और इसके साथियों ने पामाल किया। अमीर जमात इस्लामी सराजुल हक ने कहा कि इमरान खान चाहता है कि अदालत और इस्टेब्लिशमेंट उनका साथ दे, तहम इस्टेब्लिशमेंट को खुद को न्यूट्रल साबित करना पड़ेगा। ऐवान सदर ने इलेक्शन कमीशन को आम इंतखाबात के इनेकाद के हवाले से खत तहरीर कर दिया। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही ने डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद मिजारी को गैर फॉल कर दिया। स्पीकर का कहना है कि रूल 25 के तहत डिप्टी स्पीकर को हासिल तमाम इख्तियारात को ख़त्म किया जाता है। अनीम खान ग्रुप ने वज़ीर आज़म इमरान खान और उस्मान बुसार के साथियों के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डालने का मुतालबा कर दिया। यूक्रेन के सदर ने अक़वामे मुत्तहिदा से रूस को फौरी तौर पर सलामती कौंसल से बाहर निकालने का मुतालबा किया है। सरबराह PDM मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि जुमे को यौम तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान मनाया जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम ने कहा कि ऑफ सीजन में अपनी खामियों को दूर करने की कोशिश करेंगे, ताहम पहले अपनी फैमिली को वक्त देंगे और उसके बाद तमाम चीज़ों पर काम करेंगे। अब चलते हैं अहम खबरों की तफसीलात की तरफ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास दोपहर बनीगाला में होगा। कमेटी इजलास में सियासी सूरत हाल, आइंदा इंतखाबात और पंजाब की सूरत हाल पर बातचीत होगी। इजलास में शिरकत के लिए कानूनी माहिरीन को भी मदऊ किया गया। कमेटी इजलास में निगरान हुकूमत के क़याम से मुतालिक मामलात का जायज़ा लिया जाएगा, जबकि अपोजिशन से निगरान वज़ीर आज़म का नाम ना आने के बाद कानूनी ऑप्शन पर भी गौर होगा। कबल अज़ीम माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर वज़ीर आज़म ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि अवाम मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज होते हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए अवाम को घरों से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत पर सबसे बड़े हमले का दिफा करना होगा। गैर मुल्की ताकत ने हमला मीर जाफरों और मीर सादिकों की मदद से किया। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत पर तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट। इससे कबल ट्विटर पर वज़ीर आज़म ने कौम के नाम पैगाम में कहा कि अवाम मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत के मजबूत तरीन मुहाफिज होते हैं। मुल्क की खुदमुख्तारी के लिए अवाम को घरों से बाहर निकलना होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुल्क की खुदमुख्तारी और जमहूरियत पर सबसे बड़े हमले का दिफा करना होगा। गैर मुल्की ताकत ने हमला मीर जाफरों और मीर सादिकों की मदद से किया। सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत पर तर्जुमान पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट हाफिज अहमदुल्ला ने उसे मजाक करार दिया। उनका कहना था कि सदर का अपोजिशन लीडर को निगरान वज़ीर आज़म की तकर्रुरी का मरासला मजाक है। अहमदुल्ला ने यह भी कहा था कि सदर और इमरान नियासी के करतूतों के मुताबिक तो अपोजिशन लीडर गद्दार है। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में बिलावल भुट्टो का कहना था कि कमेटी के दीगर अरकान वजाहत दें, क्या कौमी सलामती कमेटी ने 197 अराकीन असम्बली को गद्दार करार दिया। कहा आइन तोड़ना सरप्राइज नहीं, गद्दारी है। बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना था कि इमरान खान ने तहरीक अदम एतमाद से बचने के लिए आइन से बगावत की है। आला अदलिया जमहूरियत पर इस हमले को नाकाम बनाए। उन्होंने मजीद कहा कि अदम एतमाद के बाद हम शफाफ इलेक्शन के लिए तैयार हैं। ख्याल रहे कि आज मीडिया से गुफ्तगू में सदर नून लीग शहबाज शरीफ का भी कहना था कि डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली वज़ीर आज़म और सदर पाकिस्तान ने आइन तोड़ा है। हम सब अदलिया का एहतराम करते हैं और तवक्को रखते हैं कि आइन की हिफाजत करेंगे। शहबाज शरीफ का कहना था कि अगर ये अपोजिशन की साजिश है और हम गद्दार हैं तो सबूत कौम के सामने लाएँ। आर्मी चीफ और DGISI से भी मुतालबा किया कि इस मामले की तहकीकात करें और अदालत अजमत से भी तहकीक का मुतालबा करेंगे। बुध को इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत के बाहर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अहसन इकबाल ने सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए कहा कि पाकिस्तान में सिविलियन मार्शल लॉ नाफिज करके आइन को इमरान खान और इसके साथियों ने पामाल किया। उन्होंने कहा कि 3 नवंबर को जनरल परवेज मुशर्रफ ने एमरजेंसी लगाई थी और अब सब कुछ वही हो रहा है। इस बार 3 अप्रैल को इमरान नियाज़ी ने अपनी कुर्सी बचाने के लिए पाकिस्तान के आइन को ज़िबा कर दिया। लीगी रहनुमा ने कहा कि आइन रियासत की बुनियाद होता है, वो शहरियों के हकूक की जमानत देता है। आइन को रोंदने के बाद रियासत खोखली हो जाती है। फॉरेन फंडिंग केस में इमरान खान की चोरी पकड़ी जा चुकी है और पूरी दुनिया में अमेरिका के अंदर कानून के खिलाफ वर्जी करके मनी लॉन्ड्रिंग की गई है।
एहसन इकबाल ने कहा कि इमरान खान ने गैर कानूनी फंडिंग से फरार हासिल करने के लिए अमरीका के ताल्लुकात को दांव पर लगा दिया। जब इमरान को इतिहादी छोड़ जाते हैं तो उनको साजिश नजर आने लगती है। उन्होंने ये भी कहा कि खलीजी ममालिक से भी इमरान खान ने ताल्लुकात खराब कर दिए। खलीजी ममालिक से मिलने वाले तहाइफ इमरान खान ने फरोख कर दिया और वो अब पाकिस्तान के लिए शर्म का बायस बन चुके हैं। मीडिया से खसूसी बात करते हुए जमात इस्लामी के अमीर सिराजुल हक ने कहा कि अभी भी वक्त है सियासतदान आपस में बैठ कर आइंदा के निज़ाम पर इत्तफाक करें। उन्होंने कहा कि इमरान खान को तहरीक अदम एतमाद का सामना करना चाहिए था। हुकूमत ख़त्म करना ऐसा ही है जैसे अपनी कमीज को आग लगाकर विक्ट्री का निशान बनाना। सिराजुल हक ने कहा कि साबित करना पड़ेगा कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल है, जिनको लाते हैं उनका हशर यही होता है जो इस वक्त हम देख रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा होना चाहिए कि जिससे जमहूरियत बच जाए। इलेक्शन कमीशन को कौमी असम्बली तहलील के 90 दिन में इलेक्शन कराने के लिए तारीख देने का कहा गया। खत में दर्ज है कि आर्टिकल 48(5)(a) और 224(2) के तहत सदर आम इंतखाबात कराने की तारीख मुकर्रर करेंगे। कौमी असम्बली इंतखाबात के लिए असम्बली की तहलील के 90 दिन के अंदर इंतखाबात कराना होते हैं। खत में कहा गया कि तारीख के ऐलान के लिए इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत इलेक्शन कमीशन से मुशावरत ज़रूरी है। निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने इमरान खान और कायदे हज़्ब इख्तलाफ शहबाज शरीफ को खत लिखा है। इमरान खान और शहबाज शरीफ से निगरान वज़ीर आज़म के लिए नाम तलब किए गए। खत में दर्ज था कि अगर दोनों रहनुमा किसी एक नाम पर मुत्तफिक ना हो तो दो दो नाम भिजवाएं। ये नाम स्पीकर की कायम करदा 8 रुकनी कमेटी को भिजवाए जाएंगे। मंगल को शहबाज शरीफ ने तर्दीद की थी कि निगरान वज़ीर आज़म के हवाले से सदर पाकिस्तान का खत नहीं मिला, जब वो खत आएगा तो तमाम इत्तेहादियों से मशवरा करेंगे। इस वक्त खुद सदर आरिफ अलवी और वज़ीर आज़म आइन शिकनी के मर्तकब हैं। पहले सदर और वज़ीर आज़म की आइन शिकनी का फैसला होगा और उसके बाद निगरान सेटअप देखेंगे। इससे कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पंजाब असम्बली में अपने ही डिप्टी स्पीकर दोस्त मोहम्मद निज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान से मंजूरी के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने सेक्रेटरी पंजाब असम्बली को दोस्त मोहम्मद निज़ारी के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी। तहरीक अदम एतमाद मियाँ महमूद रशीद, डॉक्टर मुराद रास और दीगर अरकान असम्बली के दस्तखत से जमा कराई गई। ख्याल रहे कि डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली दोस्त मोहम्मद निज़ारी ने गुज़िश्ता रोज़ पहले 6 अप्रैल को होने वाला इजलास 16 अप्रैल को बुलाने का ऐलामिया जारी किया और फिर रात देर गए इजलास की तारीख दोबारा तब्दील करते हुए 6 अप्रैल कर दी गई। ज़राए के मुताबिक पंजाब असम्बली में हुकूमती इत्तेहाद डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करके मुश्किलात का शिकार हो गया। डिप्टी स्पीकर सरदार दोस्त मोहम्मद निज़ारी ने PTI उम्मीदवार को सख्त रद्द अमल देने का फैसला किया है। उन्होंने मौजूदा सूरत हाल पर अपने करीबी साथियों से सलाह मशवरा किया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, कन्फ्यूजन बददस्तूर बरकरार रहेगी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास शाम 7 बजे तलब कर रखा है। ताहम तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद, खारदार तारे लगा दी गईं। मुस्लिम लीग नून ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। दूसरी जानिब पंजाब असम्बली का इजलास आज होगा या नहीं, कन्फ्यूजन बददस्तूर बरकरार रहेगी। डिप्टी स्पीकर ने इजलास शाम 7 बजे तलब कर रखा है। ताहम तर्जुमान पंजाब असम्बली का कहना है कि इजलास 16 अप्रैल को ही होगा। पंजाब असम्बली के दरवाजे बंद, खारदार तारे लगा दी गईं। मुस्लिम लीग ने डिप्टी स्पीकर के खिलाफ तहरीक को अदालत में चैलेंज करने का ऐलान कर दिया। साबिक रुकन पंजाब असम्बली शुएब सदीकी का कहना है कि इमरान खान की करप्शन और मिसमैनेजमेंट सामने आ चुकी। किराए के तर्जुमान बोरिया बिस्तरा समेट लें, अवाम के हाथ उनके गिरेबानों पर होंगे, अब जवाब देना होगा। शुएब सदीकी का कहना था कि अलीम खान ग्रुप का कोई रुकन किसी कीमत पर PTI को वोट नहीं देगा। इमरान खान और बुस्तार के फ्रंटमैन सामने आ चुके, उन्हें भागने नहीं देंगे। पंजाब में हर ओहदे की बोली लगी। बुस्तार ने सीटों की नीलामी के अलावा कुछ नहीं किया। उन्होंने कहा कि शहबाज गिल, शहजाद अकबर और इन जैसे दीगर चेहरों का मुल्क से कोई ताल्लुक नहीं। लूटमार करने वाले मुल्क से भागे तो जिम्मेदारों को नहीं छोड़ेंगे। रुकन अलीम खान ग्रुप का कहना था कि फरा गुजर की तरह करप्शन करने वाला कोई और मुल्क से फरार ना हो, इसलिए वजारत दाखिला गैर सियासी मशीरों ब्यूरोक्रेट्स के नाम से ब्लैक लिस्ट में डाले। शेख सदीकी का मजीद कहना था कि पंजाब में इमरान खान की वजह से PTI मुख्तलिफ ग्रुप्स में तकसीम हुई। वफाक की तरह पंजाब में आईनी सियासी बहरान की जिम्मेदार भी PTI है। यूक्रेनी सदर ने अक़वामे मुत्तहिदा सलामती कौंसल से खिताब में कहा कि यूक्रेन में बदतरीन जंगी जुराम का इर्तकाब किया जा रहा है। ज़ेलेंस्की ने अक़वामे मुत्तहिदा से मुतालबा करते हुए कहा कि रूस जा रहे मुल्क है, उसे सलामती कौंसल में नहीं होना चाहिए। दूसरी जानिब स्पेन रूस के 25 सिफारिशकारों को मुल्क बदर करने का फैसला कर चुका।
यही नहीं, फ्रांस, जर्मनी और स्वीडन भी रूस के मुतादी सिफारतकारों को मुल्क बदर कर चुके हैं। इधर रूस ने मुल्क बदरी के मुतालबे की मजम्मत करते हुए कहा कि इकदाम तंग नजरी है, रूस भी जवाबी इकदाम करेगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मौलाना फजलुर रहमान का कहना था कि हमारे इदारों की जिम्मेदारी है कि वह आइन के तहफ्फुज़ के लिए अपना किरदार अदा करें। उन्होंने मुतालबा किया कि तरजीह बुनियादों पर डिप्टी स्पीकर के रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए और अराकीन को वोट का हक दिया जाए। मौलाना फजलुर रहमान का कहना है कि सियासी बहरान पर सुप्रीम कोर्ट का अस खुद नोटिस कुछ आइंद है, मामूल की कार्रवाई से अवाम में बेचैनी पाई जाती है, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग को कलअदम करार दिया जाए। उन्होंने कहा कि इमरान खान ने आइन को पामाल किया, कौम आने वाला जुमा योम एहतजाज के तौर पर मनाए, डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से बहरान पैदा हो, असम्बलियों की तहलील ने बहरान को मजीद संगीन कर दिया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि हुकूमती गैर आइनी इकदाम से मुनसिफाना इंतखाबात की तवक्को नहीं की जा सकती, अदालती हुक्म के बावजूद वजीर आजम सरकारी वसाइल इस्तेमाल कर रहे हैं। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद होने और कौमी असम्बली की तहलील के बाद तुर्क अवाम इमरान खान की हिमायत में सामने आ गई और उनके हक में हजारों ट्वीट कर डालें। इमरान खान पाकिस्तान के बाद तुर्क सोशल मीडिया पर भी टॉप ट्रेंड बन गए। इस्लामोफोबिया के खिलाफ काविश और दीगर आलमी अदालत ने इमरान खान को तुर्की में मकबूल कर दिया। तुर्क अवाम का कहना है कि इमरान खान हुकूमत के खात्मे के पीछे अमरीका है। इस मरहले में तुर्की अवाम की हिमायत इमरान खान और पाकिस्तान के साथ हैं। लाहौर के गज़ाफ़ी स्टेडियम में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वाहिद टी20 मैच के बाद सहाफ़ियों से बात करते हुए कप्तान बाबर आजम ने कहा कि तीनों फॉर्मेट में ऑस्ट्रेलिया ने अच्छी क्रिकेट खेली। मैच के हवाले से उन्होंने बताया कि टी20 मैच में पाकिस्तान ने कम रन स्कोर किए, रिजवान के साथ अच्छा कम्बिनेशन बना था लेकिन मिडल ऑर्डर में थोड़ी गलतियाँ हुई। उन्होंने कहा कि वर्ल्ड कप ने मिडल ऑर्डर अच्छा खेला था, ताहम अब मिडल ऑर्डर को मज़ीद बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि टीम कोचेस और इंतजामिया अपने मशवरे देते हैं और पाकिस्तान ने अपनी बेस्ट 11 को मैच के लिए खिलाया। खिलाड़ियों की कारकर्दगी में उतार चढ़ाव आता है, जो भी टीम में शामिल थे सबने जान मारी। हमारा टीवी से फिल वक्त इतना ही, मजीद तफसीलात के लिए देखते रहिए हमारा टीवी। हम सब का है। अल्लाहुम्म सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम।